ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासें आखिर एक क्लासरूम एक्सपीरियंस में क्या अंतर होता है किसी एक स्टूडेंट के लिए एक एस्पिरेंट के लिए और आखिर उन्हें क्या अब यहाँ पे हमारे स्टडी आई क्यू के पी टू आई बैचेस के ऑफलाइन क्लासेज में कुछ नया मिलने वाला है बिल्कुल पी uh, टू आई के अंदर जो ऑनलाइन uh, का एक्सपीरियंस है वो तो हमारा अभी तक अच्छा रहा ही बट ऑफलाइन uh, में एक खास फर्क जैसे मैंने आपको बताया वो यही रहेगा कि uh, आप एक सौ uh, बच्चों के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं आपके साथ अन्य स्टूडेंट्स हैं जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन और मोटिवेशन जो है वो एक अलग लेवल पर चला जाता है ऑफलाइन लाइन में और इसके अलावा आप फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं सौ बच्चों का आपने जिक्र किया कि सौ बच्चों को हमने सौ कैंडिडेट्स को लेने का सौ एक्सपीरियंस को लेने का एक उद्देश्य रखा है तो आखिर ये स्पेसिफिक सौ नंबर क्यों सर देखिए वरुण मेरा मानना है कि आ... क्लास कई बार जब जैसे आम तौर पर हम सुनते हैं 300 बच्चे 400 बच्चे 500 बच्चे तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि बच्चे अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते ठीक से तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जो हमारा पहला बैच है वो एक लिमिटेड हम हंड्रेड सीट्स का बैच होगा ताकि हम बच्चों को अच्छे से सर्व कर पाएँ हर एक स्टूडेंट के जो डाउट हैं वो क्लियर कर पाएँ और मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की पूरी जर्नी में ना अक्सर बच्चों के जो डाउट्स हैं वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं ठीक है तो हमने एक मल्टीपल लेयर सिस्टम बना रखा है कि एक तो आप टीचर से क्लास में डाउट्स पूछ सकते हैं इसके अलावा आपको ऑफलाइन में भी हम वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे तो एक मेंटर पूरी जर्नी में आपके साथ रहेगा जिससे आप कभी भी कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं इसके अलावा आपके आंसर राइटिंग के जो इवेलुएटर्स हैं उनके साथ आप अपनी इवेलुएशन डिस्कस कर सकते हैं तो ये जो सारी सुविधाएं ये अब आपको फिजिकली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी तो मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा इफेक्टिवली बच्चा जो है वो अपनी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है बिल्कुल मतलब जिस तरह से हम अभी तक ऑनलाइन तैयारी को आसान बनाते हुए आ रहे थे एस्पिरेंट्स की कैंडिडेट्स की और उसके साथ ही उनकी सफलताओं को भी हम उनके साथ जोड़ते हुए आ रहे थे तो यही अब हम ऑफलाइन में करने वाले हैं सर एक आखिरी मेरा सवाल आपसे कि हमारे फैकल्टीज़ के लिए ये किस तरह का एक नया एक्सपीरियंस होगा या ये कुछ वो इसमें कितना अच्छा अपना एक आप कह सकते हैं कि अपना योगदान दे सकते हैं तो आ, हमारे स्टडी आई क्योंकि जो फैकल्टीज़ हैं वो ना केवल सिर्फ ऑनलाइन में अच्छे हैं बल्कि उनको पहले ऑफलाइन का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई नया है एक ऑफलाइन में पहले पढ़ाना तो ऑफ़लाइन में उन्होंने पहले भी पढ़ाया है तो जाहिर सी बात है कि आ, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि अब हम ऑफलाइन में भी बच्चों के साथ डायरेक्ट जो है फ़िज़िकली इंटरेक्ट कर पाएंगे और और बेटर जो है सर्विस हम दे पाएंगे